क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैदान पर ढेरों उपलब्धियां अपने नाम की हुई हैं। अब जब वो क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं तो वो अब देश के लिए समाज सेवा के काम में लगे रहते हैं। सचिन तेंदुलकर कोलकाता पहुंचे हैं और वहां उन्होंने कोलकाता की मैराथन रेस को हरी झंडी दिखाई है। सचिन ने इस मौके पर कोलकाता पुलिस की तारीफ की और कोलकाता से जुड़ी अपनी यादों का भी जिक्र किया। सचिन ने यहाँ लोगों को प्रेरित भी किया और महिला सशक्तिकरण के बारे में भी अपनी राय रखी। कोलकाता पुलिस द्वारा मैराथन इवेंट को आयोजित करने को लेकर सचिन ने अपने बयान में कहा, हम कोलकाता में जब भी क्रिकेट खेलने आते थे तो बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। मेरे पास कोलकाता की कई खास यादें हैं और ये सब यादें यहाँ के क्राउड की वजह से हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ हमेशा ही सुरक्षित महसूस करवाया। उन्होंने इस देश में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बारे में भी बात की और कहा, जहाँ तक महिला शक्ति का संबंध है, मुझे लगता है कि वे भारत की रीढ़ है। मुझे अभी भी एक बच्चे के रूप में याद है कि जब मैं घर वापस आता तो मेरी माँ मेरे लिए हर संभव कोशिश करती। महिलाओं के लिए उनके घर की देखभाल करने में सक्षम होना और उनकी नौकरी विश्वसनीय भी है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।